कभी अपने गूगल होम या एलेक्सा पर डाउट मत करना, और इस स्टोरी के बाद मेरा दावा है कि आप करोगे भी नहीं। एक रात सैम आराम से अपने रूम में बैठकर टीवी देख रहा होता है। उसका शो खत्म होता है, वो अपने गूगल असिस्टेंट से कहता है, ओके गूगल टर्न ऑफ द टीवी। टीवी बंद हो जाता है। वो आराम से खड़ा हो रहा होता है कि एकदम से उसका जो गूगल होता है वो रिस्पॉन्ड करने लगता है, वो ब्लिंक करने लग जाता है एंड आवाज आती है, ओके टर्निंग ऑन द अपस्टेयर्स बेडरूम लाइट। सैम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि ऐसा कुछ कमांड तो उसने गूगल असिस्टेंट को दिया ही नहीं था। वो वापस उसे कहता है कि ओके गूगल टर्न ऑफ द अपस्टेयर्स लाइट। ऊपर की लाइट बंद ही होने वाली होती है कि उसके ऊपर नजर जाती है एंड सामने उसको एक परछाई जाती हुई दिखाई देती है। ये देख के वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उस टाइम पे उसके घर में उसके अलावा तो और वहां कोई था ही नहीं। सैम घबराहट के मारे थोड़ा सा पीछे होता है। वो कुछ भी करके एक रॉड ढूंढ लेता है, उस रॉड को अपने हाथ में उठाता है एंड जहां से उसको परछाई दिखी थी वहीं पे धीरे धीरे सीढ़ियों पे चढ़ना चालू कर देता है बोलते हुए, कोई है कोई है। वो ऊपर के कमरे में आराम से चेक कर ही रहा होता है कि इतने में नीचे गूगल होम असिस्टेंट फिर से ब्लिंक करता है। वो रिस्पॉन्ड करता है, ओके टर्निंग ऑन द म्यूजिक, एंड म्यूजिक बजना चालू हो जाता है। ये सब देख के सैम इस वक्त बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो अलर्ट हो जाता है, उसको समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये है कौन जो बार बार गूगल होम असिस्टेंट को कमांड दिए जा रहा है। सैम अब धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरना चालू कर देता है। वो सीधा भाग के अपने रूम में जाता है एंड आपने सही सोचा, जाते ही सीधा अपने गूगल होम असिस्टेंट का प्लग ही निकाल देता है क्योंकि ना रहेगा बास और ना बजेगी बांसुरी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो इस सब के बाद वापस अपना घर चेक करने लग जाता है क्योंकि उसे कोई तो दिखाई था, तो हो सकता है कोई इंट्रूडर हो। जब वो ये चेक कर रहा होता है म्यूजिक तो बंद हो चुका होता है लेकिन उसका गूगल होम असिस्टेंट फिर से ब्लिंक करता है और रिस्पॉन्ड करता है, ओके टर्निंग ऑन दी लॉन्ड्री रूम लाइट्स। वो कस के अपनी रॉड को पकड़ लेता है एंड धीरे धीरे थोड़े सहमे हुए कदमों से आगे बढ़ता हुआ अपने लॉन्ड्री रूम की तरफ जाता है। वो वहां अंदर देखता है तो अंदर कोई भी नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो उसको वापस से वही परछाई दिखाई देती है। सैम अब उस परछाई की तरफ देखते हुए तेजी से बोलता है, कौन हो तुम, आखिर बताओ कि हो कौन तुम, एंड धीरे धीरे उसकी तरफ कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। वो उस परछाई को वार्निंग देता है कि तुम जो कोई भी हो प्लीज पीछे हट जाओ नहीं तो सही नहीं होगा। लेकिन वो परछाई अब धीरे धीरे सैम की तरफ ही बढ़ना चालू हो जाती है। वो अब धीरे धीरे उस परछाई की तरफ बढ़ते हुए चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, ओके गूगल टर्न द लाइट्स ऑन, ओके गूगल टर्न द किचन लाइट्स ऑन, बट कोई लाइट ऑन नहीं होती एंड वो परछाई अब उसके बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच चुकी होती है। वो इस सब के बावजूद भी हार नहीं मानता एंड अपना चिल्लाना कंटिन्यू रखता है, ओके गूगल प्लीज टर्न ऑन द किचन लाइट्स, ओके गूगल प्लीज टर्न ऑन द किचन लाइट्स। आखिरकार उसकी होप काम आती है, उसका गूगल होम असिस्टेंट रिस्पॉन्ड करता है, उसमें लाइट ब्लिंक होती है एंड आवाज आती है, ओके टर्निंग ऑफ द लॉन्ड्री रूम लाइट्स। Turning off laundry room light. No! No! Come on!